गंज में सफाई कर्मियों ने जिला शिक्षा अधिकारी कालरे का घेराव किया और आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 6 महीने से फीस नहीं मिली है, जिससे काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जिले में लगभग 2900 से अधिक सफाई कर्मी स्कूलों में सफाई का काम करते हैं और उन्हें प्रशासन 2000 रुपए की फीस हर महीने देती है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि मार्च और अप्रैल महीने से अभी तक उन्हें कोई भी फीस नहीं दी गई है, जिसके बाद सभी कर्मचारियों में आक्रोश है। इसी दौरान स्वीपर संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि अब तक कई बार उन्होंने मानदेय के लिए आवेदन व्यायो और अन्य अधिकारी को दिया है, लेकिन अधिकारी का इस ओर ध्यान ही नहीं है। नाम श्यामदेव है, मैं स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग डीओ ऑफिस में आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। और इससे पहले भी कितने बार हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं और अभी तक हम लोग का कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया है। और अगर हम लोग देख रहे हैं एक हफ्ता या 15 दिन तक देख रहे हैं, अगर हम लोग का बंटन नहीं आया है तो हमारे जितना भी स्कूल सफाई कर्मचारी लोग हैं वो यहाँ आ कर के या तो कार्यालय में डेरा डालेंगे, बी ऑफिस में या डी ऑफिस में, अपने बाल बच्चे लेकर के। ये कोरोना जैसे महामारी के चलते आज हम लोग को घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है, जो कि हमारे 2000 के पेमेंट है उसको भी हम लोग को टाइम टाइम से नहीं मिल रहा है। और आज ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि पेमेंट नहीं मिलेगा इस वजह से कि कोरोना के जो स्कूल संचालित नहीं है, जो कि लगातार आज हम लोग भी काम करते आ रहे हैं, जो चावल बांटना हो गया, स्कूल खोलना हो गया, ये करना हो गया, जो भी स्कूल संबंधी कार्य है वो हम लोग लगातार करते आ रहे हैं हम लोग आज भी। इससे है कि अगर अंतिम बार यहाँ हम लोग डी ऑफिस में आए हैं, अगर इस बात से हम लोग के डीओ साहब अगर हम लोग के ध्यान देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी लोग जितना भी हमारे इस जिला के हैं उन लोग डीओ ऑफिस में आएंगे। जी सर, अब किसी का पेमेंट नहीं हुई है, किसी विकास खंड में मार्च अप्रैल तक के पेमेंट हो गई है, लेकिन रामचंद्रपुर विकास खंड में मार्च अप्रैल से लेकर अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। मेरा नाम श्रीमती राजकुमारी सिंह है, मैं डीओ ऑफिस में आई हूँ क्योंकि हम लोगों का वेतन रुका है, अप्रैल से लेकर आज अक्टूबर हो गया, अभी तक नहीं मिला है, जो कि हम लोग निरंतर काम करते आ रहे हैं। लॉकडाउन है तो भी हम लोग को काम कराया जा रहा है बीच बीच में। और साहब लोग बोलते हैं कि आमंत्रण नहीं आया, तो काम नहीं कर रहे हो तो पैसा नहीं मिलेगा। डीओ साहब लोग बोले सर, में हम लोग ज्ञापन देने हैं, डी ओ ऑफिस में आए हैं, डी ओ से मिलने आए थे, लेकिन डी ओ साहब से मुलाकात नहीं है। हम पतागरिया डी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए, स्कूल सफाई कर्मचारी में जो हम लोग काम करते हैं हमें वेतन मार्च से नहीं मिला आज तक। कोरोना जैसा महामारी में हम लोग के काम कराया जा रहा है और वेतन अभी तक हम लोग को नहीं मिला, इसी संबंध से हम लोग आए हैं बी ऑफिस। हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे।